रात वो वक्त आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, नौजवानों, मेरे भाइयों, मुझे बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी दी गई है। मुझे ऐसी शख्सियत का तारुफ कराने के लिए कहा गया है जिसे सारी दुनिया जानती है। मैं आपको क्या बताऊं, क्या कहूं कि इमरान खान कौन है, लेकिन एक बात मैं आपको वाजे तौर पे बताता हूं कि आज मंगल के दिन 11 जून 7:50 आज आप टाइम नोट कर लें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह शख्स पाकिस्तान में इंसाफ लाएगा, पाकिस्तान से करप्शन दूर करेगा, पाकिस्तान से महंगाई दूर करेगा। मैं ये क्यों इतने यकीन से कह रहा हूं, क्योंकि आज तक इस शख्स ने जो कहा है वो करके दिखाया है। चाहे वो वर्ल्ड कप हो, इसने कौम से वादा किया था कि मैं कौम को वर्ल्ड कप जीत के दिखाऊंगा, इसने कौम को वर्ल्ड कप जीत के दिखा दिया। इसने कौम से वादा किया था कि मैं कैंसर अस्पताल बना के दिखाऊंगा, इसने कैंसर अस्पताल बना के दिखा दिया। लोगों ने कहा था कि कैंसर अस्पताल नहीं बनेगा, इसने बना के दिखाया। लोगों ने कहा था कैंसर अस्पताल चलेगा नहीं, इसने चला के दिखाया। लोगों ने कहा था कि इस अस्पताल में मुफ्त इलाज नहीं होगा, दुनिया गवाह है कि शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल दुनिया का वाहिद ऐसा अस्पताल है जहां मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। दोस्तों, मैंने कहा कि यह शख्स जो कहता है वो करके दिखाता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि इस शख्स की नीयत साफ है। इसने तमाम उम्र अपने असूलों की पासवानी की है, इसने किसी से नाइंसाफी नहीं की, कभी अपने असूलों की खिलाफ वर्जी नहीं की। क्रिकेट टीम में जब कप्तान था तो मेरिट पे खिलाड़ियों को लेके आया, यहां तक कि जब मेरिट का मामला आया तो अपने कजन को, ये उसके लिए इंतहाई तकलीफ दे फैसला था, लेकिन चूंकि टीम का सवाल था अपने कजन को भी इसने टीम से निकाल दिया। छोटे छोटे गांव से प्लेयरों को लेके इसने बड़े बड़े हीरो बना दिया। तो भाइयों, ये होती है नीयत की सफाई और इरादे की पुख्तगी। अगर चट्टान की तरह पुख्ता इरादा हो, नीयत साफ हो, तो अल्लाह ताला भी मदद करते हैं। और ये शख्स नीयतों का साफ है, इसके इरादे चट्टान की तरह मजबूत हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान के ये हालात आपके हालात बदलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, थोड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा कि मेरी आवाज बिल्कुल खराब हुई हुई है, लेकिन सुने जरा, 5 मिनट मेरी बात सुन लें। आज तहरीक इंसाफ को तकरीबन 1.5 महीना हुआ और मुझे ये खुशी है कि पाकिस्तान में सब करप्शन की बात कर रहे हैं। सुने सर, मैं मैं समझता हूं दोस्तों, खामोशी, थोड़ी सी खामोशी। कि पाकिस्तानी लोग अब ये चीज, ये जो करप्शन है हमारे मुल्क में, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अब तक
जितनी करप्शन पाकिस्तान में होती रही, हमारी कौम इसको अब तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि ये लिखा गया कि बेनजीर और आसिफ जरदारी की 2.5 मिलियन पाउंड की एक कोई घर खरीदा गया इंग्लैंड में। सुनो सुनो, अब हमें ये नहीं पता कि ये वाकई खरीदा गया या नहीं, लेकिन हमें ये चीज समझ आई कि तकरीबन 3.5 टन सामान इंग्लैंड भेजा गया PIA पे और मुफ्त। तो मैं हमारी कौम ये अब तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। हम ये पूछना चाहते हैं कि किधर से, ये क्यों, कैसे। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि आगे से ये जो पाकिस्तानी कौम से धोखे होते रहे हैं, हम अपने हुक्मरानों से तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए आज मुझे बहुत खुशी हुई कि तहरीक इंसाफ का पहला ऑफिस गड़ी शॉ में खुला। एक मेरा दोस्तों, मेरा गला बहुत खराब है, मैं आपसे और बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि देखें, सिर्फ आप तहरीक को कामयाबी जब देंगे, ये आपकी कामयाबी है। तहरीक कामयाब होती है, पाकिस्तान में इंशाल्लाह इंसाफ आता है। जो हम कहेंगे, जो भी हम कहेंगे, आपको करके दिखाएंगे। कोई आपसे ये जो आज तक झूठ बोलेगा आपसे, इंशाल्लाह जो बात कहेंगे सच बोलेंगे। कोई कुछ नहीं कर सकेंगे तो आपको झूठे वादे नहीं करेंगे। और मैं आपसे सिर्फ एक दरखास्त है, जो भी तहरीक को ज्वाइन करे, सिर्फ ये याद रखे कि अय्या का नाम बदो व अय्या का नस्ताइन, कि आपने किसी इंसान के सामने नहीं झुकना। आपने हमें सिर्फ दलेर लोगों की जरूरत है, बुजदिल लोगों की जरूरत नहीं। दोस्तों मेरी बात सुने, दोस्तों सिर्फ मैं चाहूंगा कि आप जब तहरीक को ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को शामिल करें इसमें। हमारी ये पहला ऑफिस है लाहौर में, सारे लाहौर में हम ऑफिसेज खोलेंगे, सारे पाकिस्तान में खोलेंगे, और इंशाल्लाह तहरीक जब अगले इलेक्शंस आएंगे, हम पूरी तरह ऐसी फाइट करेंगे जो आज तक हुई नहीं पाकिस्तान में। लोग समझते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, कोई पैसे नहीं, जिस तरह पैसे आज तक खर्च होते रहे हैं, कोई हम ऐसे पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। इंसाफ, इंसाफ के ऊपर ये तहरीक चलेगी। आप लोगों को क्यादत देगी, आपकी तरफ से क्यादत आएगी, चमचा कल्चर खत्म करेगी, VIP कल्चर खत्म करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। दोस्तों